नमस्कार दोस्तों, इस समय की एक बड़ी खबर शिक्षा मित्रों के लिए आ रही है कि शिक्षा मित्रों का माह सितंबर 2019 के मानदेय की राशि को भेज दिया गया है और ये धनराशि बहुत ही जल्द यानी दीपावली से पहले ही शिक्षा मित्रों के खाते में आ जाएगी। इस खबर को हम पूरा देखेंगे, लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि आप शिक्षा मित्रों से जुड़ी किसी भी खबर को मिस ना करें। दोस्तों, शिक्षा मित्रों के माह सितंबर 2019 के मानदेय की राशि को भेज दिया गया है और इसका दीपावली से पहले ही शिक्षा मित्रों के खाते में आने की पूरी उम्मीद है। इस आदेश को देखते हैं, इसमें लिखा गया है कि आपको अवगत कराना है कि राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक 6 सितंबर 2019 के अंतर्गत शिक्षा मित्रों का माह अगस्त 2019 का मानदेय दिया जा चुका है और अब जो है 2019 सितंबर के मानदेय की धनराशि 10,000 रुपए प्रति माह की दर से भेजी जा रही है और यह जो है बहुत जल्दी शिक्षा मित्रों के खाते में आएगी। देखिए, यहाँ पर एक सवाल जो मैंने अनुदेशकों के मानदेय को लेकर भी कहा था और वही सवाल मेरा शिक्षा मित्रों के मानदेय को भी लेकर है कि शिक्षा मित्रों का भी मात्र एक महीने का मानदेय यानी कि सिर्फ 10,000 रुपए जो है वो भेजे जा रहे हैं, जबकि दीपावली जैसे बड़े त्योहार को सेलिब्रेट करने के लिए और पूरे महीने अपना घर चलाने के लिए यह 10,000 रुपए कुछ भी नहीं होते हैं। अगर सरकार चाहती तो 2 महीने का मानदेय, 1 महीने का मानदेय जो बकाया है और 1 महीने का हाफ एडवांस में भेज सकती थी, यानी कि 15 दिन ऑलरेडी हो जाते तो उसको भी वो भेज सकती थी, लेकिन सरकार ने जो है केवल 1 माह का मानदेय 10,000 रुपए मात्र ही भेजा है और अनुदेशकों के लिए सिर्फ 7,000 रुपए का मानदेय ही भेजा है। तो इतने कम मानदेय में पूरे परिवार को चलाना और दीपावली भाई दूज जैसे त्योहारों को सेलिब्रेट करना बहुत ही मुश्किल काम है। सरकार को त्योहारों पे तो कम से कम दोनों का ही शिक्षा मित्र, अनुदेशक और बाकी जितने भी संविदा कर्मचारी हैं जो इतने कम मानदेय पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं उनके मानदेय को समय से भेज देना चाहिए। अनुदेशकों शिक्षा मित्रों से जुड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप किसी भी खबर को मिस ना करें।